बढ़ते आगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। एसपी मीडिया सेल का ट्विटर हैंडल संचालक गिरफ्तार हुआ है। हजरतगंज पुलिस ने मनीष जगन अग्रवाल को अरेस्ट किया है और पुलिस मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव। मुख्यालय में ज्वाइंट सीपी पीयूष मोडिया भी मौजूद। अखिलेश ने मनीष जगन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। अखिलेश भी अपनी तरफ से तहरीर दे सकते हैं और मनीष जगन अग्रवाल पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। अभद्र टिप्पणी पर कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद हजरतगंज पुलिस ने मनीष जगन अग्रवाल को अरेस्ट किया, जिसके बाद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें उन्होंने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की हैं। अखिलेश भी अपनी तरफ से माना जा रहा है कि अब तहरीर दे सकते हैं। तो मनीष जगन पर अभद्र टिप्पणी के मामले में 3 मुकदमे दर्ज हैं और उसी मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से अब तहरीर दी जा सकती है। लखनऊ में एसपी मीडिया सेल का ट्विटर हैंडल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मनीष जगन अग्रवाल को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष जगन अग्रवाल पर ट्विटर हैंडल के जरिए अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है, जिसको लेकर हजरतगंज कोतवाली में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। तो देखिये, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट भी किया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करना निंदनीय व शर्मनाक है। सपा कार्यकर्ता को अविलंब रिहा करे पुलिस। इस ट्वीट के बाद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय भी पहुंच गए और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से भी इस मामले में अब तहरीर दी जा सकती है। आपको बता दें कि मनीष जगन पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में 3 मुकदमे दर्ज हैं और उसी सिलसिले में पुलिस ने मनीष जगन को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अखिलेश यादव भी पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर शेयर की हैं।